Hello class, how are you today? My name is Mr. Jitendra Dubey and I'm from Delhi. I'm your new Indian economic system teacher I'll be teaching you Indian economy this session. Time to begin, so let's begin our lesson now. Settle down now so we can start right now. Stop talking and be quiet right now, coach. I want to go start from this point. It is lecture number 15. If you want to watch all 30 all 30 plus lectures of Lucent GK, then you should go on study channels playlist. You will get all 30 plus lectures of this book right now, and definitely if you will watch all this lecture, all lectures, then you will get profit, coach. It's very important books for every competition examination, right? Competitive examination. That's why I'm saying that you should, it is a reference book for all candidates or aspirants right now. तो लूसेंट जी के बुक जो है वो इसका ये लेक्चर नंबर 15 था. इसमें हम इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को देखेंगे. लूसेंट जी के यानी सामान्य ज्ञान इतनी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये जितने भी प्रिपरेशन तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके रूम में अवेलेबल होती है. एक बुक जरूर मिलेगी आपको लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान की. तो क्योंकि इस ये एकमात्र ऐसी किताब है जिस किताब से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी बुक से होते हैं. That's why it is a reference book for all examination. Right now, let's begin from here. Bharatiya Arthavyavastha, yani Indian Economic System, lecture number 15 of Lucent GK Samanya Gyan. Arthashastra aur Vyavastha. Arthavyavastha, yani economics and economy, right? तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है. मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं. अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए. वास्तव में जब हम किसी देश को उसके समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं. आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है. अर्थव्यवस्था की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी. न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न चार वर्गों में बांटा गया है. ये हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय. निजी आय वाली अर्थव्यवस्था यूएस डॉलर में 995 यूएस डॉलर या इससे कम. निजी मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था वाली कंट्री हैं 996 टू 3895 यूएस डॉलर वाली प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय वाली अर्थव्यवस्थाएं. उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं 3896 से लेकर 12025 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाली अर्थव्यवस्थाएं. उच्च मध्य आय वाली, वहीं उच्च आय वाली हैं यूएस डॉलर में 12,055 यूएस डॉलर या इससे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जिस कंट्री की है वो है उच्च आय वाली. फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, ब्रिटेन, यूएसए, यूके, जापान एट्सेट्रा. यह वर्गीकरण वर्ल्ड बैंक की वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के प्रारंभ में किया जाता है. ओके. उपरोक्त वर्गीकरण जुलाई 2018 का है. यू शुड ट्राई टू वॉच दिस सिनेरियो इन द लेटेस्ट सेशन. निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लाइक यूएसए. इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है. इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है. राइट नाउ 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस. राइट नाउ द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है. अंडरस्टैंड, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है. देखिए विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं कंट्री और नॉमिनल जीडीपी 2017 ट्रिलियन डॉलर में. यूएसए की थी अप्रॉक्स 20 ट्रिलियन, चाइना की 12, जापान की 4.9 अप्रॉक्स, जर्मनी की 3.7, इंग्लैंड की 3.6, इंडिया की 2.61, फ्रांस की 2.6, जापान की, ब्राज़ील की
2 and Italy ki 1.95 Canada ki 1.65 ye dhyan dena ye 2017 ka data hai aapko रिलेटेड ईयर में डेटा देखना है राइट नाउ तो ये डेटा काफ़ी हद तक चेंज हो चुका होगा अप टू डेट देख लेना लेट्स गो फ्रॉम हियर लेट्स राज्य अर्थव्यवस्था इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ इसमें उत्पादन आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है अंडरस्टैंड राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नजर आती है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और समाजवादी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 में जन्म और 1883 में डेथ हुई थी उनकी ने दिया था जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चाइना 1949 ईस्वी में सामने आया ओके यस मिश्रित अर्थव्यवस्था व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं जो तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के यानी सरकारी व निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व द्वितीय वर्ल्ड वार विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया इसमें भारत मलेशिया इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए राइट बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात मीन एक्सपोर्ट और न ही आयात मीन इम्पोर्ट होता है यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है ओके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग उत्पादन तथा वितरण से संबंधित हैं अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है यह प्राइमरी क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है इन गतिविधियों का संबंध भूमि जल वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है कृषि पशुपालन मत्स्य पालन खनन और उनसे संबंधित गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है द्वितीय क्षेत्र आई मीन सेकेंडरी सेक्टर टॉकिंग अबाउट अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है फॉर एग्जाम्पल लोहा इस्पात उद्योग वस्त्र उद्योग वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्र ही कहा जाता है इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है ओके तृतीय क्षेत्र इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है फॉर एग्जाम्पल बीमा बैंकिंग चिकित्सा शिक्षा पर्यटन एक्सेट्रा इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गॉट इट लेट्स गो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर आर्थिक समृद्धि नेचुरल इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद इन इंग्लिश ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP ग्रॉस यानी सकल यानी कुल तथा सकल घरेलू उत्पाद में GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस यानी सकल यानी कुल एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति उपभोग पूंजी एवं व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है
किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक गुणात्मक और परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। आर्थिक समृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन। आर्थिक विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। इट इज इकोनॉमी, देन दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू शुड ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द की पॉइंट। Thereafter you will capable to understand what is the correct definition of that word. Right now it means you should try to pay attention, then you will get profit, and then you will capable to understand the proper definition of that word. Understand? Yes. आर्थिक विकास की माप, measurements of economic development. विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने की पांच अप्रोच में दृष्टिकोण मिलते हैं। फर्स्ट है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। इसका प्रतिपादन वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ने किया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। इसका प्रतिपादन डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए तीन आंकड़ों, शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट IMR, वयस्क साक्षरता दर एडल्ट लिटरेसी रेट ILR एवं एक वर्ष आयु के जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट एज 1 के औसत मान का उपयोग किया जाता है 0 to 100 के पैमाने पर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है। क्रय शक्ति समता विधि यानी परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग ईयर 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मीन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया, और आजकल वर्ल्ड बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट 2014 ईस्वी के अनुसार 2012 ईस्वी में क्रय शक्ति समता में परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अपने स्टेटस को मेंटेन करा हुआ है इंडिया ने अभी भी। निवल आर्थिक विकास, निवल यानी नेट करेक्ट शुद्ध आर्थिक कल्याण। निवल आर्थिक कल्याण इक्वल्स मैथमेटिकल फॉर्मूला सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट। यस, सैम्यूएलसन का यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण यानी नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW लोगों के जीवन निर्वाह के सुधार की सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा कॉब ने ईयर 1989 ईस्वी में किया। जीवन की गुणवत्ता में सुधार आर्थिक विकास का मापक की माप के लिए विलियम नॉर्दहास तथा जेम्स टोविन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर MEW की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैम्यूएलसन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW यानी शुद्ध आर्थिक कल्याण कहा। मानव विकास सूचकांक SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस सूचकांक का प्रतिपादन ईयर 1990 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके प्रतिनिधियों ने सहयोगियों ने किया।
मानव विकास सूचकांक के तीन आधारभूत आयाम हैं ज्ञान, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा क्रय शक्ति समायोजित तो प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह का स्तर। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1 तक हो सकता है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का सूचकांक है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 यू शुड ट्राई टू वॉच दिस डेटा इन द लेटेस्ट सेस एंड लेटेस्ट करंट अफेयर्स राइट नाउ एंड रिलेटेड ईयर। मानव विकास सूचकांक के गुणात्मक मापन का प्रयोग UNDP द्वारा ईयर 1990 से सतत रूप से जारी है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की संज्ञा दी गई है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट ईयर 2002 में जारी किया गया था। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2017 की मानव विकास रिपोर्ट September 14, 2018 को जारी की गई। विश्व के कुल 189 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां स्थान था उस समय। वर्ष 2018 में 135वां, 15 में 130वां, 16 में 131वां स्थान था। 2017 में मानव विकास सूचकांक में 0.640 मान के साथ भारत को मध्यम मानव विकास वर्ग में रखा गया है। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 67, चाइना 86 की स्थिति भारत से बेहतर है, जबकि भूटान 134, बांग्लादेश 136, नेपाल 149, म्यांमार 148, पाकिस्तान 150 एंड अफगानिस्तान 168। म्यांमार भारत से निम्नतर यानी पीछे हैं। 189 कंट्रीज की मानव विकास सूचकांक की सूची में नॉर्वे को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, जबकि नाइजर सबसे निचले पायदान पर है। You should try to mug up some factual data of economy in the correct current affairs. मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से सिर्फ 5 राष्ट्र हैं: नॉर्वे 0.95, स्विट्जरलैंड 0.94, ऑस्ट्रेलिया 0.93 एंड आयरलैंड 0.93, जर्मनी 0.93। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निचले 5 देशों की बात करें तो 185 कंट्री बुरुंडी 0.41, 186 चाड 0.40, 186 लोकेशन पर दक्षिण सूडान 0.38, 188 केंद्रीय अफ्रीकी गणराज 0.36 एंड अंतिम पे 189 पे नाइजर 0.35। यानी अफ्रीकी कंट्री हैं ये, इसका मतलब अफ्रीका पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, गॉट इट। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 की सूची में USA 0.92 13वें स्थान पर, UK 0.92 14वें स्थान पर तथा जापान 0.90 19वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के मामले में देशों की स्थिति, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इज हियर, यू शुड ट्राई टू मग अप दिस फैक्ट्स इजीली इन योर इट्स बी इन योर माइंड। 0.255 से कम यानी 0 से अधिक और 0.55 से कम में निम्न मानव विकास वाले देश आते हैं, जबकि 0.55 to 0.70 यानी 0.55 से अधिक और 0.70 तक, 0.70 से कम वाली कंट्री जो हैं वो मध्यम मानव विकास वाले देश में आएंगी, और जिनके इंडेक्स में 0.7 से लेकर अधिक और 0.8 से कम है वो उच्च मानव विकास वाले देश में, जबकि 0.8 से ऊपर और 0.8 से ऊपर 1 तक जाएंगे ये हैं उच्च मानव विकास वाले देश। फॉर एग्जाम्पल USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, जापान एक्सेट्रा। यस, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार 59 कंट्रीज को अत्यधिक उच्च मानव विकास समूह में, 53 कंट्रीज को उच्च मानव विकास समूह में, 39 देशों को मध्यम विकास समूह में तथा केवल 38 कंट्रीज को निम्नतम मानव विकास समूह में वर्गीकृत किया गया है। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना मानव विकास सूचकांक के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII तथा बहुआयामी गरीबी निर्देशांक MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर भी की जाती है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के आकलन में मातृत्व मृत्यु दर व किशोर मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण, संसदीय सीटों में महिलाओं के प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में सहयोगिता में सहभागिता तथा आर्थिक गतिविधियों को समाहित किया जाता है। लिंगमूलक असमानता सूचकांक GII 2017 में भारत को 160 देशों में 127वां स्थान दिया गया है, जबकि पड़ोसी देशों में चीन को 36वां, म्यांमार को 106वां, श्रीलंका को 80वां तथा बांग्लादेश को 134वां और पाकिस्तान को 133वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी गरीबी निर्देशांक MPI की धारणा उपलब्धता प्रत्यागम पर आधारित है। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह इन्हीं तीन आयामों तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह का स्तर पर आधारित है जो मानव विकास सूचकांक HDI के में लिए गए हैं। ओके,
खुशहाली खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं कि इन की नहीं इसकी सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी से विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है जिसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप के 6 कारकों के आधार पर की जाती है। प्रति व्यक्ति जीडीपी, क्रय शक्ति तुलना के तुल्यता के आधार पर, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता तथा भ्रष्टाचार का बोध। विश्व खुशहाली रिपोर्ट मूल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 मार्च 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वाही विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा 6वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 18 जारी किया गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 18 की सूची में 156 सदस्य देशों को शामिल किया गया जिसमें फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल एवं बुरुंडी सबसे कम खुशहाल देश है। इस सूची में प्रथम 5 स्थान पर आने वाले खुशहाल देश हैं फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत को 133वें स्थान पर है जबकि गत वर्ष 2017 में भारत इस सूची में 122वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देशों का रैंक है पाकिस्तान 75वां, सूडान 97, नेपाल 101, बांग्लादेश 115 और श्रीलंका 116 है। इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों का रैंक है जर्मनी 15th, अमेरिका 18th, यूनाइटेड किंगडम 19th, फ्रांस 23 एंड सिंगापुर 34, जापान 54। अगे हियर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इज हियर बट इट इज ओल्ड डेटा, यू शुड ट्राई कंसंट्रेट ट्रेंड ऑफ द कमीशंस। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 मार्च 29, 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा 7वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 जारी किया गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 की सूची में 156 सदस्य देशों को शामिल किया गया जिसमें फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल एवं दक्षिणी सूडान सबसे कम खुशहाल देश है। इस सूची में प्रथम 5 स्थान पर आने वाले खुशहाल देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, नीदरलैंड्स। इस सूची में भारत 140वें स्थान पर है जबकि गत वर्ष 2018 में भारत इस सूची में 133वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देशों का रैंक पाकिस्तान 67, चाइना 93, भूटान 95, नेपाल 100, बांग्लादेश 125, श्रीलंका 130। इस प्रकार भारत अपने पड़ोसी देशों के से पीछे है। इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों का रैंक है यूनाइटेड किंगडम 15, जर्मनी 17, अमेरिका 19 एंड फ्रांस 24। टॉप कंट्रीज हैं ये। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 दिसंबर 18, 2018 को वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई। इस वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अंतर्गत जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 149 देशों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है जो निम्न है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियाँ, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता तथा 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018 में आइसलैंड 0.85 को शीर्ष स्थान एवं यमन को 149वां स्थान है। इस सूचकांक में सिर्फ 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं आइसलैंड 0.85, नॉर्वे 0.83, स्वीडन 0.82, फिनलैंड 0.82 एंड निकारागुआ 0.80। यस, इस सूची में निचले क्रम में 5 देश हैं यमन 149th प्लेस, पाकिस्तान 148th प्लेस, इराक 147 एंड सीरिया 146 प्लेस, चार 145। इस सूचकांक में भारत को 108वां स्थान 0.66 प्राप्त हुआ। इस सूचकांक के विभिन्न स्तरों में भारत की स्थिति इस प्रकार है: आर्थिक भागीदारी एवं अवसर में 142nd, शैक्षणिक व्यवस्था 114, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता 147, राजनीतिक सशक्तिकरण 19th। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 48, म्यांमार 88, श्रीलंका 100, नेपाल 105 स्थान प्राप्त कर भारत से बेहतर स्थिति में है। वहीं भूटान 142nd, पाकिस्तान 148 स्थान पाकर भारत के पीछे है। इस सूचकांक में विश्व के कुछ अन्य विकसित देशों का क्रम है: फ्रांस 12, जर्मनी 14, यूनाइटेड किंगडम 15, कनाडा 16, स्विट्जरलैंड 20 एंड USA 51। नाउ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम
भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने ईयर 1867-8 में किया था। दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार ईयर 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपीज थी। राइट नाउ सर सिरास ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपीज बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। ईयर 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। डॉक्टर आर गॉडगिल एंड वीके आर वी राव इस समिति के सदस्य थे। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं यानी फाइनल गुड्स तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में नेशनल इनकम कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय ईयर्स April 1st to 31st March पर आधारित हैं। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्थापना May 1951 राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है। साइमन कुजनिट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है जिन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय आय की लागत किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसके कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत फैक्टर कॉस्ट FC पर की जा सकती है या फिर बाजार लागत यानी मार्केट प्राइस MP पर। साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट या मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादन कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत में फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक उत्पादन के दौरान इन कारकों की लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रत्यक्ष और तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, परंतु कोई अनुदान यानी सब्सिडी प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। राइट नाउ बाजार लागत मार्केट प्राइस। बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। बाजार लागत मीन मार्केट प्राइस वस्तु एवं सेवा की साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर सेन वैट केंद्रीय उत्पाद शुल्क CST आदि जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर टैक्सेज को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान में सब्सिडी राजकीय सहायकी को साधन लागत में से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय ही उसकी गणना कर ली जाती है। मूल्यवर्धन की धारणा कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु या सेवा दोहरी गणना में न आए यानी माध्यमिक वस्तुओं या प्रयुक्त आगतों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे ही मूल्यवर्धन विधि वैल्यू एडिशन मेथड कहते हैं। मूल्य वर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इसमें उत्पाद पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पादन अनुदान को घटा देते हैं तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही GDP होता है। अतः किसी भी राष्ट्र का GDP सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडिशन GVA का योग होता है, जिसमें ह्रास नहीं निकाला गया है पर कर तथा अनुदान का समायोजन किया गया है। Okay. भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत में फैक्टर कॉस्ट पर किया करता था। जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में बाजार लागत मीन मार्केट कॉस्ट पर ही है। सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA में उत्पादन करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पाद का केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर हैं उत्पाद कर, चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एट करेंट एंड कॉन्स्टेंट प्राइस। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय मॉनेटरी इनकम भी कहते हैं।
स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय एंड नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के उस मौद्रिक मूल्य से जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है। इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस। प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मौद्रिक मुद्रा स्फीति की वृद्धि दर घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा, तथा यह अंतर मुद्रा स्फीति महंगाई या इन्फ्लेशन बोलते हैं की दर से मूल्य के बराबर होगा। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को, घरेलू वस्तुओं अथवा कार्य को, वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे अंश पत्र, ऋण पत्र आदि के क्रय विक्रय को, हस्तांतरण भुगतान, पेंशन, वजीफा, लॉटरी जीतना हो, विदेशों से प्राप्त उपहार। ओके, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। उत्पाद पद्धति, इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आय पद्धति, इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता की GDP का आकलन करने के लिए करते हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की मूलतः दो धारणाएं हैं, टू मेजर कॉन्सेप्ट्स, घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट। घरेलू उत्पाद किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद या नेशनल सॉरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। वहीं घरेलू उत्पाद या यस घरेलू उत्पाद का मैथमेटिकल फॉर्मूला हो घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा। अब राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट, किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला, राष्ट्रीय उत्पाद में नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स घरेलू आय माइनस शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन आय, या घरेलू आय माइनस शेष विश्व से निवल प्राप्ति। यह है राष्ट्रीय उत्पाद। यस, जब किसी धारणा के साथ सकल यानी ग्रॉस यानी कुल जुड़ा हो तो इसका मतलब यह है कि स्थिर पूंजी उपभोग या ह्रास डिप्रेसिएशन को घटाया नहीं गया है। एब्सोल्युटली, अब हम सकल धारणा में से स्थिर पूंजी के उपभोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो हमें निवल शुद्ध यानी नेट प्राप्त होता है। निवासी यानी रेजिडेंस, व्हाट इज दिस। निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनैतिक नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु वह आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त से सभी धारणाएं इन्हीं का प्रतिरूप हैं या इन्हीं पर आधारित हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कंसंट्रेट हियर। सकल घरेलू उत्पाद में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम यानी फाइनल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा से संबंध में सभी उद्यमियों, चाहे वह निवासी हों या अनिवासी, द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार से इसके योगफल द्वारा भी किया जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद GDP है, मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। सकल घरेलू उत्पाद में GDP के उपयोग देखिए। GDP में हमें होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है, इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इसे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता
का पता नहीं चलता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों के तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GDP FC किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, परंतु यदि कोई अनुदान मीन सब्सिडीज प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। CSO द्वारा फरवरी 2015 ईस्वी में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्त GDP राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करेगी। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GDP MP बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसके एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार की भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है जबकि सरकार द्वारा किए गए अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है। GDP फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स GDP MP माइनस उत्पाद कर माइनस अनुदान। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP किसी अर्थव्यवस्था में GNP उस आय को कहते हैं जो GDP में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं फाइनल गुड्स और सेवाओं के सकल मूल्य से है। यदि X माइनस देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय में हो व M विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हो तो GNP इक्वल्स GDP प्लस X माइनस M यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। Understand? Yes. बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत X माइनस M इक्वल्स जीरो यानी एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट घटाइए यानी जीरो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। अतः GNP इक्वल्स GDP। भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले या हानि होती है, अतः भारत का GNP हमेशा GDP से कम होगा। सकल लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GNPFC साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। साधन लागत के अंतर्गत हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ, ह्रास आदि को सम्मिलित करते हैं। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GNPMP किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा आर्थिक सीमा के अंदर तथा बाहर सभी अंतिम वस्तुओं फाइनल गुड्स एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNPFC में परोक्ष व्यापारिक कर जोड़ देते हैं और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को घटा देते हैं तो हमें बाजार मूल्य ज्ञात होता है। मैथमेटिकल इक्वेशन है GDP FC इक्वल्स GNP MP माइनस परोक्ष प्लस अनुदान। ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ओके, GNP के विभिन्न उपयोग डिफरेंट यूजेज ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मीन IMF दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर IMF देशों को उनकी क्रय शक्ति क्षमता या तुल्यता मीन परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के आधार पर रैंक तय करता है। 2015-16 ईस्वी में क्रय शक्ति क्षमता PPP के आधार पर IMF ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया। इस आधार पर चाइना पहली, USA दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए GNP GDP की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दूसरे देशों के लिए से लिए गए कर्ज एवं दूसरे देशों को दिए गए कर्ज से पता चलता है। यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। बाजार मूल्य पर प्रति पर व्यक्त GDP एट मार्केट प्राइस तथा बाजार मूल्य पर व्यक्त GNP यानी GNP एट मार्केट प्राइस की धारणा या घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच
संबंध। देश के भीतर गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय की गणना में शामिल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार देश के निवासी इकाइयों द्वारा देश की आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय में शामिल किया जाता है। अर्थात देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय तथा गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय का अंतर, जिसे हम निवल विदेशी आय कह सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। यदि निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय से अधिक हुई हो तो शेष धनात्मक होगा, अन्यथा ऋणात्मक। अगेन ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर। जीएनपी एमपी माइनस जीडीपी एमपी इक्वल्स निवल विदेश आय, मीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल्स नेट नेट फॉरेन इनकम। निवल धारणा है, नेट कॉन्सेप्ट। जब हम सकल मूल्य में से, चाहे वह बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो, ह्रास को डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो निवल नेट शुद्ध धारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें निम्नांकित निवल धारणाएं प्राप्त होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इज हियर, ट्राई टू कंसंट्रेट दिस की फैक्टर्स। जी डी पी एफ सी ई माइनस ह्रास इक्वल्स NDP FC, mean gross domestic product at factor cost minus ह्रास mean depreciation equals national domestic product at factor cost, right? Gross domestic product at market price minus ह्रास mean depreciation equals net domestic product at market price. GNP gross national product at factor cost minus depreciation mean ह्रास equals NNP net national product at factor cost. GNP gross national product at market price mean minus depreciation mean ह्रास equals net national product at market price. शुद्ध घरेलू उत्पाद net domestic product NDP, यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। NDP equals GDP minus harassment depreciation। अतः किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से कम होगा। एनडीपी का प्रयोग, इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए किया जाता है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग अलग दरें निर्धारित करती हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, सकल राष्ट्रीय आय में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP कहते हैं। NNP equals GNP minus ह्रास। NNP equals GDP plus विदेशों से होने वाली आय माइनस मूल्य कटौती। NNP के विभिन्न उपयोग हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम NI है। यह किसी भी देश के आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब NNP को देश के कुल आबादी से हम भाग देते हैं तो उससे उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। कर छूट एवं राष्ट्रीय आय संबंध, टैक्स सब्सिडीज एंड नेशनल इनकम, राइट? करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज हियर, रिलेशन बिटवीन टैक्सेज सब्सिडीज एंड नेशनल इनकम, करेक्ट हियर। अप्रत्यक्ष कर और अनुदान मीन सब्सिडीज को एक साथ रखने पर भारत की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स मीन अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी मीन अनुदान। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन। January 39, 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार CSO ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर वर्ष को 2004-05 से संशोधित करके यह 2011-12 कर दिया है। इस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय आय संबंधी नई श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण धारणात्मक कॉन्सेप्चुअल परिवर्तन GDP के आकलन के संबंध में किया है। नई श्रृंखला में अब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में GDP एट फैक्टर कॉस्ट का आकलन धारणा को हटा दिया गया है तथा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में GDP एट मार्केट प्राइस को ही GDP के रूप में स्वीकार किया गया है।
सीएसओ की नई घोषणा के अनुसार जीडीपी की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए के अनुमान के लिए साधन लागत को बाजार मूल्य कीमतों बेसिक प्राइसेज को प्रयोग में लाया जाएगा। मूल कीमत इक्वल्स क्रेता से प्राप्त कीमत माइनस उत्पाद पर कर प्लस अनुदान। साधन लागत पर जीवीए किसी कर को सम्मिलित नहीं करता है तथा किसी अनुदान में सब्सिडीज को नहीं छोड़ता है। बाजार मूल्य पर जीडीपी उत्पाद व उत्पादन करों इसको सम्मिलित करता है, वो उत्पाद तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए साधन लागत पर जीवीए मूल्य मूल मूल्य पर तथा जीडीपी बाजार मूल्य पर के बीच संबंध। सीई मीन इक्वल्स कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति। क्यूएस मीन परिचालन अधिशेष, राइट। एमआई मीन मिश्रता मीन मिक्स्ड इकोनॉमी। सीएफसी मीन मिश्रित पूंजी का उपयोग। कंजम्पशन ऑफ मिश्रित पूंजी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हियर। ओके, जीवीए मूल्य पर मूल मूल्य पर इक्वल सीई प्लस ओएस स्लैश एमआई प्लस सीएफसी प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद उत्पादन अनुदान। वहीं जीवीए साधन लागत पर जीवीए मूल्य मूल मूल्य पर माइनस उत्पाद अनुदान घटाने के बाद उत्पाद कर। जीडीपी का बाजार मूल्य इक्वल जीवीए मूल मूल्य पर प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद अनुदान। ओके, इस विज्ञप्ति में सीएसओ ने इस बात पर बल दिया है कि आगे से जीडीपी बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास की माप के लिए उपयोग में लाया जाएगा। मूल कीमत पर जीवीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है, जो वहां 1993 ईस्वी से ही प्रयोग में है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन आय तथा व्यय विधि का मिश्रित उपयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकी संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं परिवहन, संचार एवं व्यापार, वित्तीय वास्तविक संपदा, सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा होती है। कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित तथा तैयार किए जाते हैं। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े सीएसओ द्वारा तैयार किए जाते हैं, आरबीआई द्वारा नहीं। यस, एनएनआई किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी है, जिसमें सीएफसी कर्मचारियों की निवल क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व से प्राप्त संपत्ति आय को समायोजित किया गया है का योग है। सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई में ह्रास को घटा दें तो एनएनआई ज्ञात होगी, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ईयर 2018-19 में राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर आकलन। चालू वित्तीय वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी एंड राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फेब 28, 2019 को जारी किया गया। ओके, सीएसओ के फरवरी 28, 2019 के दूसरे अग्रिम आकलन के में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वास्तविक घरेलू उत्पाद 2011-12 के मूल्य स्तर पर 141 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। इससे पूर्व 17-18 में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद 131 लाख करोड़ था। 2018-19 में जीडीपी में वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया गया, जबकि पहले अग्रिम अनुमान में यह वृद्धि 7.2% अनुमानित थी। वर्ष 18-19 में जीडीपी में वृद्धि 6.8% रही। सीएसओ के फरवरी 2019 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में स्थिर कीमतों पर 11-12 के स्थिर मूल्यों पर 18-19 में शुद्ध राष्ट्रीय आय 123 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि 17-18 में 115 लाख करोड़ रुपए रहे। इस प्रकार 2018-19 में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में 7.1% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि 17-18 में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि 7% रही। 18-19 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 92,718 रहने का सीएसओ का दूसरा अग्रिम अनुमान है, जबकि 17-18 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 87,000 रही है। इस प्रकार वर्ष 18-19 में सीएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में 5.8% की वृद्धि होने की संभावना है। फैक्चुअल पर्सन फैक्चुअल डेटा ऑफ इकोनॉमी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य कीमतों पर 2011-12 के मूल्य स्तर पर जीवीए मीन ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 129 लाख करोड़ रुपए की संभावना है, जबकि 2017-19 में 17-18 में यह 121 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार 2018-19 में जीवीए में स्थिर मूल्य कीमतों पर 6.8% वृद्धि की संभावना है। पूर्व वर्ष 2017-18 में यह वृद्धि 6.9% रही।
Economy is important facts. Some facts is important for the understanding, that is conceptual portion, and some facts is important for the current affairs, such as factual data of economy. प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आकलन ईयर 2018-19 में प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 190 लाख करोड़ रुपए रहने की सीएसओ का दूसरा अग्रिम अनुमान है। वर्ष 17-18 में यह 170 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार चालू मूल्यों पर 18-19 में जीडीपी में वृद्धि 11.5% रहने का अनुमान है, जबकि 17-18 में यह वृद्धि 11.3% थी। ईयर 18-19 में प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय 168 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि 17-18 में यह 151 लाख करोड़ रुपए रही है। इस प्रकार 18-19 में प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में 11.6% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि 17-18 में यह वृद्धि 11.3% रही थी। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 18-19 में प्रति व्यक्ति आय 126,000 रुपए रहने की सीएसओ का अनुमान है, जबकि 17-18 में यह 114,000 थी। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में 10.2% की वृद्धि होने का अग्रिम अनुमान है। प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध मूल कीमतों पर जीवी ग्रॉस वैल्यू एडिशन 17-18 में 154 लाख करोड़ रुपए था, जो ईयर 18-19 में 172 लाख करोड़ रुपए रहने के सीएसओ का ताज़ा अनुमान है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन विन सीएसओ। इस प्रकार प्रचलित मूल्यों पर 18-19 में जीवी ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 11.4% वृद्धि की संभावना है। राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में 11-12 के स्थिर कीमतों पर आकलन है करोड़ रुपए में। 18-19 फरवरी 19 के दूसरे अग्रिम अनुमान पूर्व की तुलना में वृद्धि प्रतिशत में 18-19 दूसरे अग्रिम अनुमान। जीडीपी 141,000 करोड़ रुपए परसेंट में 7 वृद्धि हुई है 7% की। एनडीपी में 1,95,137 करोड़ रुपए। जीवी एट बेसिक प्राइस 1,29,25,787 करोड़ रुपए एंड जीएनआई 1,39,54,000 करोड़ रुपए। एंड नेक्स्ट एनएनआई 1,23,49,000 करोड़ रुपए एंड प्रति व्यक्ति एनएनआई रुपए में 92,000 रुपए 5.8% की वृद्धि ग्रोथ। प्रचलित मूल्यों पर आकलन एस्टिमेट एट करेंट प्राइस 18-19 दूसरे अग्रिम अनुमान पूर्व की तुलना में वृद्धि प्रतिशत में। जीडीपी 1,90,53,000 करोड़ रुपए एंड एनडीपी 1,70,69,891 करोड़ रुपए। जीवी एट बेसिक प्राइस 1,72,41,154 करोड़ रुपए एंड जीएनआई 1,88,60,000 करोड़ एंड एनएनआई 1,68,76,000 एंड प्रति व्यक्ति एनएनआई रुपए में 126,699। अर्थव्यवस्था में विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों के जीवी ग्रॉस वैल्यू एडिशन में वृद्धि 11-12 में के स्थिर मूल्यों के आधार पर उत्पादक क्षेत्र और 18-19 में दूसरे अग्रिम अनुमान में। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना एंड ये तो डेटा चेंज होता रहेगा। यू शुड ट्राई टू वॉच दिस डेटा फॉर द करेंट अफेयर्स इन करेंट अफेयर्स एंड यू शुड ट्राई टू अपडेट योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ करेंट अफेयर्स। कृषि वानिकी एवं मात्स्यिकी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग 2.7 अप्रॉक्स। खनन व उत्खनन माइनिंग एंड क्वेरिंग 1.2। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग 1.8। विद्युत गैस जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाएं इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज 8%। निर्माण कंस्ट्रक्शन 8.9। व्यापार होटल परिवहन संचार एंड प्रसारण से संबंधित सेवाएं ट्रेड होटल्स ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग 6.8%। वित्तीय रियल एस्टेट व्यावसायिक सेवाएं फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 7.3। सार्वजनिक प्रशासन रक्षा व अन्य सेवाएं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंस एंड अदर सर्विसेज 8.5। एंड नेक्स्ट मूल कीमतों पर जीवी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस 6.8। मिसलेनियस अवे विथ उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है।
हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र का है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का हरासमान क्रम है सर्विसेज ग्रेटर देन इंडस्ट्री ग्रेटर देन एग्रीकल्चर कृषि। मूल्य ह्रास इक्वल सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखना अपेक्षित है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने किया। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है। यस, आर्थिक आयोजन इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ को अपनाया गया। पंचवर्षीय योजनाएँ, लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ। पंचवर्षीय योजना अवधि जीडीपी में वार्षिक लक्ष्य परसेंट में उपलब्धि परसेंट में रही। 93-94 की कीमतों पर पहली पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पहली पंचवर्षीय योजना 51-56 2.1 टारगेट अचीव 3.6 ओके। दूसरी 56-61 टारगेट 4.5 अचीव 4.1। तीसरी 61-66 5.6 टारगेट अचीव 2.8। चौथी 69-74 टारगेट 5.7 का अचीव 3.3। फिफ्थ 74-78 4.4 टारगेट 4.83 अचीव। छठी 80-85 5.2 टारगेट एंड 5.7 अचीव। सेवंथ 85-19 5 टारगेट एंड 6.2 अचीव। आठवीं 92-97 5.6 टारगेट एंड 6.8 अचीव। नाइन्थ 97-2004 6.5 टारगेट एंड 5.4 अचीव। टेंथ 2002-2007 8% टारगेट एंड 7.5 अचीव। 11th 2007-2012 9% target and achieve 8.3. 12th and last 2012-17 9% target संशोधित 8%। देखिए इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं 66-67 67-68 68-69 then 78-79 79-80 and 90-91 then 91-92 ईस्वी में के लिए बनी थी। ईयर 1978-73 ईस्वी के लिए जनता सरकार ने अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाई, परंतु ईयर 80 ईस्वी में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसे रोककर 1980 ईस्वी में छठी पंचवर्षीय योजना शुरू किया। पहली 3 योजनाओं का लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किया गया है। चौथी योजना का लक्ष्य कुल घरेलू उत्पाद में है। बाकी सभी योजनाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची मीन कंकरेंट लिस्ट 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में आई। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। ईयर 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। ईयर 1944 ईस्वी में बम्बई प्लान के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशी दलाल थे। 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 ईस्वी में श्री एम एन राय ने जन योजना पीपल्स प्लान भी बनाई। ईयर 1915 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता पश्चात सन 1997 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन की समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर मार्च 15-1950 ईस्वी में योजना आयोग में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया और का गठन कर एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदाध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना April 1, 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे।
15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया तथा भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द फाइव ईयर प्लान्स। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56, यह योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह सफल योजना रही तथा इसमें इसने लक्ष्य 2.1% से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना एटसेट्रा। इस योजना में सर्वाधिक उद्योग के विकास सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 ईस्वी में किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61, यह योजना पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना में लक्ष्य 4.5% से कम 4.1% विकास दर को हासिल किया। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिसमें 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66, इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.8% की प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इसी योजना के अंतर्गत 1964 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड को बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति के ने हरित क्रांति को जन्म दिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। योजना अवकाश 1966-69, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और अन्य उद्योगों और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी मूल्य स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया। Yes, I think I have successfully completed lecture number 15. Of Lucien G.K. Samani Gyan. If you want to watch all 3 plus lectures, then definitely you should go on Study Channel's playlist and you will get lots of rich materials, right, and study materials. And you should watch video which according to your need and comfortability right now. So thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share my study channels and video watch. Thank you so much in advance. Thanks for this.